जी बिल्कुल, मैं अभी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शिक्षा मित्र संघ के सर उमेश पांडे जी है। उमेश पांडे जी, जी सीआरयूजी से बातचीत नमस्कार। के जरिए से पता लग रहा है कि शिक्षा मित्रों में कुछ भला होगा। आप मिलकर आए हैं मुख्यमंत्री जी से, तो क्या तय माना जाए कि शिक्षा मित्र का अब अच्छा वक्त आने वाला है? उमेश जी नमस्कार। भाई नमस्कार, सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। मिश्रा जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनदेशक के हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई हैं, अब वो बन गए हैं छोटे भाई, इसलिए आपको भी नमस्कार। और हाँ जी मिश्रा जी, आप जी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि आप जाइए, अपने पठन पाठन पे ध्यान दीजिए, राजनीति को छोड़ करके आप लोग पठन पाठन पर ध्यान दें, आपके विषय में सरकार करने जा रही है और अच्छा करेगी। जी मिश्रा जी, पाठन के साथ साथ उमेश जी, शिक्षा मित्र लगभग 7 वर्ष से बहुत परेशान है। 7 वर्ष से वो तिल तिल मर रहा है। इस दौरान हजारों की तादाद में शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गया, कोई इलाज के अभाव में, कोई आर्थिक हालातों के अभाव में। सबको एक उम्मीद है कि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले कोई घोषणा कर दे, हमारे जो टूटे फूटे मकान, मतलब टूटा फूटा मन है, वो सुरक्षित हो जाए और हमें एक बार लगे कि हमें लाइमलाइट में ला दिया गया। मतलब एक ऐसा मानदेय हमको मिल जाए जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाए। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, मामला यहाँ फंसा है। उमेश पांडे जी, जी जी बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कर्मचारी में कोई किसका शोषण हो रहा है, वो एक शिक्षा मित्र निदेशक है, ये सच बात है। उसी विद्यालय में पढ़ाता है, वो वही सारे काम करता है जो एक अध्यापक साहब करते हैं, और वही उसको वही जो है दंड होगा, वही उसके लिए नियम कानून बनाए गए जो अध्यापक के लिए होंगे। समय पे उतना ही समय रहना है, उतने ही काम करना है। अगर शिक्षा मित्र या निदेशक हमारा जो है पोलियो करता है, कोई बात नहीं, ड्यूटी चुनाव में करता है, कोई बात नहीं है, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करता है, कोई बात नहीं है, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब वेतन की बात आती है, मानदेय की बात आती है, तो कहते हैं आप लोग अयोग्य हैं, फलाना है, ढमकाना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और हम लोग इस अन्याय को सहते सहते बुढ़ापे के कगार पर आ गए हैं। लेकिन संघर्ष भी हम लोग करते रहे हमेशा, 22 वर्षों से संघर्ष हम लोग 23 वर्षों से कर रहे हैं, और जो भी सरकारें आई, दोहन करना ही कार्यक्रम शुरू हुआ। इस सरकार से अभी हम लोगों ने लगातार प्रयास किए, संघर्ष सदन से सड़क तक लड़ने का काम किया। अब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या भी आश्वासन मिला है, हमारे अधिकारी गण का भी आश्वासन मिल रहा है, और हम जब संपर्क में जाते हैं, अभी विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ डायरेक्टर साहब के हाथ थे, हम लोग काफी दिन चर्चा हुआ, और उसमें भी जब अधिकारियों से हम मिलते हैं तो अधिकारी भी जो हम लोगों को बताते हैं, वो एक अच्छी पहल की जो शुरुआत हुई है शिक्षा मित्र और निदेशक के लिए, ये वो लोग पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं। आने वाला समय में इस आपके मंच के माध्यम से अपने शिक्षा मित्र साथियों से बताना चाहता हूं कि राजनीतिकरण से दूर होकर के आप लोग हटिए, आने वाले समय शिक्षा मित्र के लिए अच्छा होने वाला है, और उसका हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं। उमेश पांडे जी, अभी आपने एक चर्चा की कि अनुदेशक और हम साथ साथ ऑफिस में रहे, साथ साथ जो बातचीतें हो रही थी, तो एक अच्छी खबर है, तो ये एक पहल मानी जाए कि विक्रम सिंह और आप जब सब मिलके बातचीत कर रहे हैं तो पूरे ऑफिस तक ये चर्चा है कि अनुदेशक भी परेशान है। जी बिल्कुल परेशान है, और ये चूंकि विक्रम सिंह जी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, हम चूंकि हमारा उनका परिचय तो अभी चंद दिन पहले हुआ, बाकी इससे पहले मैं आपके कार्यक्रम में भी आपसे आपको देखा करता था, और आप ये बात सच है, और कि अब आने वाला समय शिक्षा मित्र हो या निदेशक भाई हमारे हैं, हम लोगों का समय अच्छा होने वाला है, और इसका रिजल्ट हम लोगों का बहुत जल्दी आएगा, बशर्ते हमको राजनीति से दूर रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हम लोगों के हकीकत है कि हमको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम कर्मचारी हैं,
कर्मचारी उसी का होता है जिसकी सरकार होती है। तो आपकी ठीक है, लेकिन सरकार का ही तो कर्मचारी होता है, मांगे भी मांगेगा भी तो सरकार से ही, सवाल बिल्कुल भी सरकार बिल्कुल से ही करेगा, जी जी रिक्वेस्ट भी मिश्रा जी सरकार से करेगा, बात भी अधिकारी जी से ही करेगा, तो जी जाए जी कहां? बिल्कुल जी मिश्रा जी, बात आपकी 101% जायज है। हमने आपको बताया, मेरे कहने का मतलब ये था कि शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो या कोई भी कर्मचारी हो, जिसकी सरकार होती हो, सरकार का वो नाम सरकार का ही होता है, और वो उसको अपनी परेशानी होगी अपनी बात को कहने के लिए सरकार से ही करेगा, इसीलिए संगठन बने होते हैं। अब वो उसके लिए धरना प्रदर्शन हो, विवाद हो, बैठ करके सामंजस्य बनाया गया है, अधिकारियों से बैठ के बात की जाए, ये सारे काम हम करेंगे सरकार से ही, सरकार के प्रतिनिधियों से ही, मांग भी अपनी सरकार से ही करेंगे। और मांग करने का तो हमको हमारे हमारे कहने का मतलब ये नहीं सरकार से हम मांग ना करें, हम सरकार से मांग करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, लेकिन हमको राजनीति से मतलब नहीं है। जिसकी सरकार है हम उसके हैं और हम उससे अपनी मांग करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मोदी जी पर, माननीय योगी जी पर, हमारे सभी अधिकारियों पर, हमारी बात को पूरा होगा। विक्रम सिंह पांडे।